हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आज दशहरा है, तो अभी जैसे कि मैं सो करके तो मैं बहुत देर पहले उठ चुका था, तो अभी घर की साफ सफाई और घर में जो भी आज दशहरा वगैरह पूजेंगे उसकी तैयारी में लगा हुआ था। और अभी वक्त हुआ है 8:30 और अभी घर में सब रेडी होने के लिए अभी सब नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और अभी मैं भी नहाया नहीं हूँ, अभी मैं भी जाने वाला हूँ। तो फिर नहाने के बाद में फिर रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम दशहरे की तैयारी करेंगे। तो आप आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि दशहरा हम कैसे पूजते हैं, और दशहरा हमारे घर के पास भी मेला भरता है, तो मैं वहाँ पे भी आपको लेकर के जाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो देखते हैं बाकी आज पूरा दिन का क्या शेड्यूल, क्या प्लान रहने वाला है। तो भाई दशहरे की तैयारी हो चुकी है, अब हम जाएंगे दशहरे की पूजा करने के लिए। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि दशहरे की कैसे पूजा होती है। हाँ, ये मिठाई की सबको पिंटू आ जा, चलो भाई आओ जल्दी आओ पूजा करने। देख लो किट्टू क्या कर रही है, अपने आप में मस्त है किट्टू। तो पूजा हो गई है फिर भी पूजा कर रही है। अरे 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 किट्टू क्या कर रहे हो? बस ये नहीं गिर जाएगा, जय कर लो। जय तो कर ली इनने, बहुत देर से जय जय ही कर रही है बैठ करके। देखो बस बस एक एक कुलिया पे जाए हो रही है, एक एक कुलिया पे बस बस हो गई हो गई। मर गया रावण, मर गया, कर दिया दहन तुमने। अब अगले साल मारना रावण को, हर साल ही मारो, मरता है नहीं। और तेरे किट्टू तुम्हें बहुत अच्छा बच्चा है। भाई वाह भाई, किट्टू तारीफ कर रहे हैं सब तुम्हारे। तो पूजा हो चुकी है, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। तो पूजा हो चुकी है, अब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं फिर आगे कहाँ जाना है। ठीक है, रामलीला ग्राउंड में। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सब, यहाँ पर रात को भरेगा मेला। तो यहाँ पर दहन होगा रावण का, और मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से, देख लीजिए। कर लेना यार,
मेरा मंच रामलीला का, यहाँ पर रामलीला होगी और यहाँ पे ना रावण रात को जलेगा, रावण फूका जाएगा यहाँ पर रात को। तो अभी मैं आया था यहाँ कुछ सामान रखने के लिए मंदिर में, क्योंकि यहीं पर मंदिर रहेगा पास में और मंदिर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ घर, अपना काम आपने देखा होगा, तो अभी देखते हैं ऊपर। और अब मुझे मम्मी के साथ में जाना भी है कहीं, तो मम्मी रेडी हो रही है और अब जा करके मैं भी रेडी होता हूँ और फिर देखते हैं आगे। कुछ प्लान है आज बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। फ़ोन करूँ उनको पहले? सीधा खड़े हो बेटा। किट्टू कहाँ गए हो? मैं रेडी हो रहा हूँ मेले जाने के लिए। हैं? तो मेले में जाने के लिए तैयार हूँ। अबे किट्टू तो नहा लिया? यस। मेला लगने वाला है आज, तो मेले में जाएंगे। हेलो गाइस, तो मैं चला गया था मम्मी के साथ, मुझे किसी के पास जाना था तो मैं और मम्मी चले गए थे वहाँ। तो वहाँ से मैं बिल्कुल जस्ट अभी आया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:15। तो बाकी सब भी घर में रेस्ट कर रहे थे। किट्टू खेल लिया, किट्टू पीयूष ऊपर गया है और देखता हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। देखो मम्मी सो रही है मोनिका क्या कर रही है? मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ। ओ बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही है। क्या बात है, कैमरा या कंप्यूटर? कंप्यूटर चल रहा है। मौसम भी अच्छा है, बारिश हो चुकी है, अभी बारिश भी हो गई थी बहुत तेज। मेरी तो सारी बाइक बाहर खड़ी थी, गीली होगी। मैं आपको वेदर दिखाता हूँ। मौसम भी इस टाइम अच्छा हो रहा है और कुछ प्रोग्राम है शाम का, तो देखता हूँ क्या प्रोग्राम बनता है आज, है ना। तो अभी शाम की चाय का वक्त हो गया, मोनिका चाय बना रही है, चाय पी लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं कैसे करना है। मैं हो चुका हूँ रेडी और हम सब जा रहे हैं आज बाहर डिनर करने के लिए। मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है और इसलिए आज हम बाहर ही डिनर करेंगे। बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। किट्टू रेडी हो गई है? किट्टू रेडी हो गया? मम्मी भी रेडी हो गई है ना? मैं बाकी सबको भी दिखाता हूँ, अभी सब रेडी हो गए।
फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मॉल में और हम लोग जाएंगे आज KFC। तो बाकी सब भी मेरे पीछे आ रहे हैं और मैं उन सबसे आगे चल रहा हूँ। आज करेंगे फन मज़ा। बैठी कहाँ करो बता दो, बैठी कहाँ करो, आई कहाँ पर हो? KFC में क्या खाने? और हम नॉन वेज खाते हैं तो मत बताओ। इट्टू कहाँ से आ रहा है? इट्टू कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट तो कह रहा लग जाएंगे अभी उसमें तैयार होने में। बाकी नॉन वेज थोड़ा सा जाएगा। क्या ऑर्डर नंबर है हमारा? 4102 हमारा ऑर्डर नंबर है। हम लोग तो खा चुके हैं, मैं, दीदी और मोनिका, और अभी मम्मी और पीयूष अभी वो खा रहे हैं कंटिन्यू। उनका एक ऑर्डर पेंडिंग है, उसे फिनिश करके आएंगे। मैंने और हम तो खा लिए और हम घूम भी रहे हैं बाहर। अभी खाता हूँ आप। क्या 117? हाँ लास्ट वाला वो कर दिया ना, पेमेंट तो हो गया उसका। 117 बता के तो आया था मैं तेरे को। इसको ऑर्डर नंबर ही नहीं। ये मॉल है हमारे मेरठ का शॉप प्रेस मॉल वन एंड ओनली। यही मॉल है जो अभी तक बजा है, मतलब जो घूमने लायक है। पर इसमें काफ़ी शॉप्स अभी खाली भी पड़ी है थोड़ा। अभी मैट्रिक के वर्क की वजह से थोड़ा भी ऐसे चल रहा है। देखो ये रहा मॉल मेरे पीछे बैक एंड साइड में ना। देखो आपको दिखाता हूँ ये पूरा व्यू। वो सामने बैठे हैं गेमिंग जोन है सामने। ऊपर तक थर्ड फ्लोर है इसका जो है लास्ट, मतलब 3 फ्लोर्स हैं इसके अंदर मॉल्स के। और बाकी इसमें शॉप से सारे ब्रांड्स हैंगे हमारे जितने भी हैं। ये बाटा का शोरूम हैगा, ठीक है। सामने लोटो है, एप्पल स्टोर है, बहुत सारे स्टोर हैं। पर्स की दुकान है, ले होगी तो पर्स ले लो, लेना किट्टू। किट्टू हाय करो। ये नहीं करने की हाय जिंदगी में। डांस करके दिखा दो। मुंह खोल लिया, मुंह फाड़ दिया। नींद आ रही है किट्टू, नींद आ रही है हैं? अभी मैं हूँ रिलायंस के बाहर, रिलायंस मार्ट। अगर कुछ ज़रूरी सामान मुझे लगता है, क्योंकि ऑफर चलते हैं ना दिवाली दशहरा पे, तो देखते हैं अभी आज दशहरा है तो देखते हैं कोई अगर सामान मुझे ऑफर में मिलता है तो मैं ले लूँगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ देखो ये सेलिब्रेशन रखे हैं कितने सारे। भाई कह रही थी खरीद लूँगा। हाँ जी बात कर लिया। सारा सामान रखा है यार, इतना सारा सामान बिक जाता होगा नहीं इनका रखता ही नहीं होगा। रिलायंस पब्लिसिटी कर रहा हूँ मैं रिलायंस वाले से। सो गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 10। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।